बापू वाटिका मोरहाबादी में जेपीएससी में गड़बड़ी के खिलाफ चल रहे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह के 20वें दिन भी जारी है। मौके पर छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि यह लड़ाई छात्रों के अधिकार को लेकर आर पार की लड़ाई है। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता है संघर्ष जारी रहेगा। हेमंत सरकार तत्काल जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित करके छठी जेपीएससी अधिसूचना वापस करे, अन्यथा झारखंड के छात्र उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज पूरे झारखंड के छात्रों ने हम लोग मोरहाबादी बापू वाटिका स्थित सत्याग्रह कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। आज हमारा 20वां दिन है और पूरे झारखंड से बहुत सारे विधायक सत्ता पक्ष के विपक्ष से भी आके हम लोग को समर्थन भी देके गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी हम लोग का मुलाकात हुई है और उन्होंने भी सारे गलती स्वीकार किए हैं। लेकिन गलती स्वीकार करते हुए छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और जो है अपना नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। आज स्पष्ट रूप से 20वां दिन हो गया और हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और झारखंड सरकार को बता देना चाहते हैं कि अविलंब जो छठी जेपीएससी है उनको रद्द करें और जो परीक्षा प्रक्रिया बढ़ा रही है उसको तत्काल स्थगित करें, अन्यथा हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। पूरे झारखंड के 2400 जिला हम लोग दौरा करेंगे और 2400 जिला का मुख्यालय में हम लोग युवाओं को हुंकार भरेंगे और पूरा जरूरत पड़ेगा तो झारखंड बंद करेंगे, रांची जाम करेंगे, पूरा युवाओं का जनसलाब हम लोग खड़ा करेंगे और ये हेमंत सोरेन का कुर्सी को भी हम लोग डला देंगे। ये नज़रअंदाज मत करें छात्रों का जो ताकत है उसको। देखिए तो ये क्या सोच रहे हैं कि हम इन लोग को आश्वासन देते जाएं और इंटरव्यू नियुक्ति करा के हम नियुक्ति करा देंगे, ये संभव नहीं है। हम लोगों ने पिछली सरकार में जेएसएससी का दरोगा का नियुक्ति हो चुका था और उसको हम लोग रद्द कराए थे। ऐसा उदाहरण कर्नाटक में है, पंजाब में है कि इंटरव्यू होने के नियुक्ति पत्र बांटने के बावजूद भी पब्लिक सेवा परीक्षा को रद्द किया जा चुका है। इसीलिए हर हाल में छठी जेपीएससी का अधिसूचना वापस लेना होगा माननीय हेमंत सोरेन जी को, नहीं तो ये लड़ाई आर पार का लड़ाई है, ये लड़ाई कभी कम होने वाला नहीं है। ये जो हम लोग का जो सत्याग्रह है ये कोई मजाक नहीं है, पूरे झारखंड का नज़र है इसमें और इसमें निश्चित ही अगर छठी जेपीएससी रद्द नहीं होगा तो हम लोग सरकार को भी गिराने का काम करेंगे। देवेंद्र नाथ महतो, छात्र नेता।